काफी सारे इंटरव्यूज हुए जी. बट मेरे इंटरव्यू में पर्सनली उन्होंने कहा कि यू आर नॉट अ बैड किसर, यू आर अ वेरी गुड किसर. एंड उसके बाद काफी सारे वो काफी रिग्रेट थे उस मोमेंट को लेके. आपका क्या? मैंने भी सवाल उनसे पूछा था और माफी मांगी उन्होंने आपसे. फिलहाल तो मैं अदनान के साथ खड़ी हूँ, तो मैं उसके बर्थडे पे फोकस करना चाहूंगी. एंड इसका जवाब डेफिनेटली मैं देना चाहती हूँ, और मैंने वो सारे क्लिप्स भी देखे, आपकी आवाज भी सुनी मैंने सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा था. तो थैंक्स टू जद, थैंक यू जे कि आपने इस चीज को अप्रिशिएट किया और बोला, क्योंकि अभी तक इस सवालों को मैं अकेले ही फेस कर रही थी. एंड अब फाइनली उन्होंने भी मेरा साथ दिया और उन्होंने ये बात बोली, अपॉलोजी दी. मैं उनकी अपॉलोजी एक्सेप्ट करती हूँ एंड थैंक यू सो मच कि इतनी ऑनेस्टली और मच्योरली उन्होंने इस बात को हैंडल किया. और मुझे ये वही समझदार जज दिख रहे हैं जो मुझे पहले 3-4 दिन दिखे थे, फिर कहीं गायब हो गए थे. तो अगर यही वो जज हैं जो मुझे इन इंटरव्यूज़ में दिख रहे हैं और पहले 3-4 दिन दिखे थे, तो मैं भी आपसे मिलना चाहूँगी. जज कॉल मी. ये ऐसे मुझे पिक करने वाला था, सोचो. थैंक यू फॉर नॉट पिकिंग मी आमिर. हाँ जी, इन्होंने अभी जो जिस तरह हम देख रहे थे छोड़ी, और आपसे भी मैंने कुछ समय पहले एक सवाल पूछा था, आपने कहा कि सिस्टम मिल गया है, तो आप इस पे क्या रिएक्ट करोगे? क्योंकि इन्होंने पिछले जो वीडियो, आकांक्षा को वो चीज मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ है. या एक्चुअली मुझे नहीं मालूम, मैं बिग बॉस भी इतना फॉलो नहीं कर रही. आज ये इंटरव्यूज मुझे इसलिए पता है कि वो सारी क्लिप्स मेरे पास भी आ रही थी, सब मुझे टैग कर रहे थे. एंड दैट्स हाउ आई नो, अदरवाइज मुझे ये इंसिडेंट नहीं पता चलने वाला.